हाउ टू फिक्स सैमसंग M31 कैमरा हीटिंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सैमसंग के डिवाइस पे कैमरा हीटिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी ऐसा इशू देखने को मिलता है आपकी डिवाइस में, तो आप इस वीडियो को देखिए और सॉल्यूशन को फॉलो करें। आपका जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। कई बार दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें सही तरीके से सेट नहीं होते, उसके वजह से प्रॉब्लम होगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको करना क्या है, अगर कैमरा हीटिंग हो जाते तो आप इंस्टेंटली मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करें। ठीक है, मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करें और थोड़ा सा यहाँ पर वेट करें तो अपने आप कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कूल डाउन होने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है। मोबाइल पे चेक करें ऐसा कोई बैड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि कैमरा के रिलेटेड में आपने कुछ एप्लीकेशन यूज़ करा हुआ है, तो उसको आप डिलीट करें। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ऐप्स पर जाना है, उसके बाद कैमरा को ओपन करें। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा, स्टोरेज पर जाना है, डेटा को क्लियर कर देना है और ओके करना है। एंड देन दोस्तों आप सारे परमिशन को अलाउ कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों परमिशन अलाउ करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें। जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है सबको क्लोज़ कर दीजिए। सबको क्लोज़ करने के बाद चेक करें आपका कौन सा यहाँ पर कनेक्शंस ऑन है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, सब कुछ अगर ऑन कर रखा है सब कुछ बंद करना है। जो आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि रिंगटोन और मोबाइल डेटा, तो वो दोनों को इनेबल करके रखिए। ठीक है, बाकी सब डिसेबल कीजिए। उसके बाद मोबाइल को यूज़ करके देखिए ओवरहीटिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर ओवरहीट होते तो आप दोस्तों एक बार जाइए अपने सेटिंग पर और सॉफ्टवेयर चेक कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपका इशू फिक्स हो जाएगा। अगर आपने सारे सॉल्यूशन करके देखा फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सेटिंग पर जाइए दोबारा से। रीसेट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जनरल मैनेजमेंट के अंदर पे रीसेट पर जाइए। फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करके मोबाइल डेटा को फैक्ट्री रीसेट कर दे, उसके बाद आप चेक करके देखिए। ठीक है, उस तरीके से फिक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके जो फ़ोन है वो वारंटी पर है अभी तक, तो आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाइए, फ्री में रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।